एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद पब्लिक स्कूल। आज इस वीडियो में हम ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर जो होते हैं वो जो बिग नंबर होते हैं उनको हम ग्रेटेस्ट नंबर कहेंगे, और जो स्मॉल नंबर होते हैं उनको हम स्मॉलेस्ट नंबर कहेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम ग्रेटेस्ट नंबर। सर्कल ऑन द ग्रेटेस्ट नंबर, जो नंबर सबसे ग्रेटेस्ट है उस पर सर्कल लगाएंगे। ए नंबर पर आपको थ्री नंबर्स दिए हुए हैं। थ्री नंबर्स में से हमको ये देखना है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो इसमें लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट देखेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर फाइव लिखा हुआ है, यहाँ टू लिखा हुआ है, और यहाँ पर सिक्स लिखा हुआ है। तो तीनों नंबर्स में से जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है? सिक्स। तो जो 6324 नंबर जो है वो कौन सा नंबर है? ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस पर क्या लगाएंगे? सर्कल। सेकंड नंबर पर 387, 289 और 632 लिखा हुआ है। तीनों नंबर्स में से इसमें भी हमको लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट देखना है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर 3, 2 और 6, इन तीनों नंबर्स में से जो ग्रेटेस्ट नंबर है, सबसे बिग नंबर, वो क्या है? 6। तो 632 नंबर जो होगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कहलाएगा। थर्ड नंबर पर दिया है 54, 39 और 78। इसमें ओनली टू डिजिट हैं, टेंस के प्लेस पर और वंस के प्लेस पर। तो यहाँ पर टेंस के प्लेस पर जो डिजिट दी हुई है उसका हम फर्स्ट नंबर जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5, 3 एंड 7। तीनों नंबर्स में से जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है? 7। तो 78 जो होगा हमारा क्या होगा? ग्रेटेस्ट नंबर। इस टाइप से हम ग्रेटेस्ट नंबर कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर एक नंबर्स दे दिया जाए, इन तीनों नंबर्स में से यदि आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो कैसे बताएंगे? इसका हम फर्स्ट नंबर जो है वो देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ भी 6 लिखा है, यहाँ भी 6 लिखा है। इस कंडीशन में हमको क्या करना है? 2 जो है वो 6 से क्या है? स्मॉल है। तो इस नंबर, ये नंबर तो ग्रेटेस्ट हो ही नहीं सकता है। तो 64 और 69, इन दोनों नंबर्स में से हमको ये देखना है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो दोनों प्लेस पर, टेंस के प्लेस पर दोनों में 6 लिखा हुआ है। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर कैसे होगा, इसमें कैसे बताओगे? जो फर्स्ट नंबर है वो सेम है, तो हम इसका जो वंस के प्लेस पर जो नंबर लिखा हुआ है वो देखेंगे। तो यहाँ पर वंस के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है? 4। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 9। तो 4 और 9 में से जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कहलाएगा। तो 4 और 9 में से जो ग्रेटेस्ट नंबर है, बिग नंबर है, वो क्या है? 9। तो यहाँ पर 69 नंबर जो होगा हमारा वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। इस टाइप से हम ग्रेटेस्ट नंबर को कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर कैसे पहचानेंगे। सर्कल ऑन द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें जो नंबर स्मॉल है उस पर हमको सर्कल लगाना है। यहाँ पर ए नंबर पर देखेंगे 3 नंबर्स दिए हुए हैं। इसका भी लेफ्ट साइड से हमको फर्स्ट नंबर देखना है क्या लिखा है। तो यहाँ 5, 4 और 2 नंबर्स लिखा हुआ है। तो इन तीनों नंबर्स में से जो सबसे स्मॉल नंबर है वो क्या है? 2। तो 2461 नंबर जो होगा वो हमारा सबसे स्मॉल नंबर होगा। तो इस पर सर्कल लगाएंगे। सेकंड नंबर पर देखेंगे 321, 798 और 876 लिखा हुआ है। तीनों नंबर्स में, इसमें भी हम लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट देखेंगे क्या लिखा है? 3, 7 और 8। तीनों नंबर्स में से अब हमको ये दिखाना है कि स्मॉल नंबर कौन सा है। तो 3, 7, 8 में से स्मॉल नंबर क्या है? 3। तो 321 नंबर जो है वो हमारा सबसे स्मॉल नंबर है। थर्ड नंबर पर देखेंगे 53, 14 और 73 लिखा है। अब इसमें टेंस के प्लेस पर देखेंगे क्या नंबर्स लिखा है। तो यहाँ पर 5, 1 और 7, तीनों नंबर्स में से स्मॉल नंबर है वो क्या है? 1। तो 14 जो होगा हमारा स्मॉल नंबर कहलाएगा। इसमें भी यदि आपसे पूछा जाए 53, 52 और 21, इस टाइप से यदि
कंडीशन इस टाइप से होती है, जैसे यहाँ लिखा है 53, 52 और 21, या आपको दे दें यहाँ पर 51, तो तीनों नंबर्स में टेंस के प्लेस पर आपको सेम नंबर्स दिख रहा है, टेंस के प्लेस पर सेम नंबर है, तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि स्मॉल नंबर कौन सा है? तो जब सेम नंबर रहता है तो हम उसके पीछे वाला नंबर, जो उसके बंस के प्लेस पर जो नंबर है, उसको देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो तीनों नंबर्स में बंस के प्लेस पर यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है 1। तो तीनों नंबर्स में से जो सबसे स्मॉल नंबर है, जो सबसे पहले आता है, वो क्या है? 1। यानी कि जो 51 नंबर होगा, इन दोनों नंबर से स्मॉल होगा। तो 51 नंबर जो है वो क्या है? सबसे स्मॉल नंबर। इस टाइप से हम स्मॉल नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर को कर सकते हैं। आप करके देखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।